हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज ये जो आप कटिंग देख रहे हैं दोस्तों, मुझे एक दोस्त दे गया है और ये कटिंग है वो आज मैं अपने गार्डन में कुछ प्लांट है वो ऐड करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है वो दोस्तों ये है कि किसी भी कटिंग को लगाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ये सब कुछ चीज़ें हो देखने को मिलेगी जो कटिंग से आसानी से हम गार्डनिंग में कुछ प्लांट है वो ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, समर की गर्मी के बाद बारिश का रिमझिम का मौसम है वो स्टार्ट हो गया है। साथ ही दोस्तों, गार्डनिंग बहुत ही आसान है। आप खुद इसे जब तक मुश्किल ना बनाए तब तक कोई प्लांट है वो लगाना मुश्किल नहीं होगा। बारिश का मौसम एक ऐसा मौसम है जिसमें बहुत सारे प्लांट है वो आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। बारिश के मौसम में लगाए जाने वाले प्लांट और लगाने का सही तरीका ना मालूम होने के कारण कई कटिंग है वो वेस्ट, और कई प्लांट ऐसे भी है जो आपको बिल्कुल ही फ्री में भी मिल जाएंगे। तो यदि ये सही तरीका मालूम ना हो लगाने का दोस्तों, तो कई प्लांट है वो फ्री में मिलने के बावजूद भी वेस्ट चले जाएंगे। तो हम आज ये वीडियो के दौरान यही सीखेंगे कि बारिश के मौसम में या तो किसी और भी मौसम में यदि आपको कटिंग कोई भी ग्रो करना हो तो किस तरह से, किस मेथड से और कितनी आसानी से आप ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, आप एंजॉय कीजिए वीडियो को। वीडियो में मैंने पूरा दिखाया ही है, भले ही मैंने वीडियो थोड़ी स्किप के साथ आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाई हो, पर आपको छोटी से छोटी जानकारी है वो मिल सके उसका मैंने पूरा ख्याल रखा है, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इस मौसम में हम किस प्रकार की और कौन कौन सी कटिंग है वो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कटिंग को यदि प्रॉपर तरीके से लगाया जाए तो ग्रो होने के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और रेनी यानी कि बारिश का मौसम है एक ऐसा मौसम है दोस्तों जिसमें बहुत कम केयर के साथ कई प्लांट है वो बहुत ही कम केयर के साथ ग्रो भी हो जाते हैं। तो और मौसम के मुकाबले आपको ये बारिश का मौसम है उसमें इतनी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर कई व्यूअर ऐसे भी है दोस्तों, इसने बहुत ही प्रयत्न किया है पर कटिंग में वो थोड़े कम ज़्यादा इसमें सफल नहीं हुए हैं। पर आज की वीडियो देखने के बाद कटिंग लगाना बहुत ही आपके लिए आसान होने वाला है। कभी आपको कटिंग के बारे में या कटिंग लगाने के बारे में किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, जो वीडियो में आप अभी देख रहे हैं, दोस्तों आप देख रहे हैं कि मुझे एक दोस्त है वो कटिंग दे गया था, पर उन्होंने ऐसी ही बड़ी कटिंग मेरे को ऐसे ही मुझे दे दी थी, बाकी सब काम है वो मैंने ही किया है। तो वीडियो के दौरान आप सब पिक्चर में देखेंगे भी, और मैं जो भी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन देने की भी कोशिश करूंगा। दोस्तों, कटिंग का सबसे पहला मेथड ये है कि कटिंग लगाते समय आप ब्रांच की चॉइस ऐसी करें जिसमें ऊपर की साइड की नोड एरिया है वो दो या तीन हो सके, ताकि उसमें से ब्रांचेस है वो आसानी से निकल जाए। दूसरी बात दोस्तों, कटिंग बहुत थिकनेस वाली या तो मोटी किस्म की कभी भी ना ले, उसमें ग्रो होने के चांसेस है वो सेमी वुड कटिंग के मुकाबले बहुत ही कम हो जाता है। तो हो सके उतनी सेमी वुड कटिंग लगाने की कोशिश करें, वो जर्मिनेशन में या तो ग्रो होने में बहुत ही आसानी रहेगी आपको। उसके बाद आगे मैं ये सभी जो कटिंग है दोस्तों, उसको आप स्क्रीन में देख भी सकोगे कि उसके नाम भी मैं दे दूंगा। लेकिन हमारा जो ये वीडियो का मेन उद्देश्य है दोस्तों कि आप सही तरीके से कटिंग को ग्रो करना सीखे, ताकि कई ऐसे भी हमारे दर्शक मित्र है, व्यूअर है, जो कटिंग लगाते हैं पर उसमें सफल नहीं होते हैं, पर ये वीडियो के बाद बहुत ही आपको आसानी हो जाएगी। तीसरी बात दोस्तों ये है के कटिंग के ऊपर लगे पत्तियों को आप रिमूव कर दे। जो भी आपने देखा कि मैंने किस तरह से इस वीडियो के दौरान सारी बहुत पत्तियां है हटा दी है, कुछ प्लांट की रखी है,
और ऐसा भी नहीं है कि ये मैं रखूँगा, ये गमले में भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ आगे वीडियो में, तो हो सके वो एक या दो दिन के बाद भी आप हटा सकते हो, पर हो सके इतनी पत्तियों को हटा देना चाहिए। ये बिगनर के लिए है, वो बहुत ही बेस्ट मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मेथड ही कीजिए, कोई एक्सपर्ट हो तो उसकी बात दोस्तों अलग है, पर बिगनर के लिए जो मैं भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बहुत ही सही ढंग से दे रहा हूँ। हमने गमला भी ले लिया है, गमले के नीचे वेल्डन वॉल जरूर ही कीजिए दोस्तों, ताकि उसमें पानी है वो ठहरा ना रहे, आसानी से पानी है वो ड्रेनेज हो जाना चाहिए। पानी यदि ठहरा रहेगा तो उसमें से गलने के चांसेस है, फंगस के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। इसमें हमने मिट्टी का जो प्रयोग किया है दोस्तों वो वेल्डन मिट्टी का प्रयोग किया है, जो भी मैंने पानी का आपको बताया कि पानी आसानी से उसमें ठहरना नहीं रहना चाहिए, नहीं तो रूट्स वगैरह गलने के चांसेस भी रह जाते हैं। अब ये कटिंग है वो मैं गमले में शिफ्ट कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि पत्तियाँ इसलिए हटानी चाहिए, उसमें अभी रूट वगैरह डेवलप नहीं हुए होंगे, तो वो अपनी खुराक है वो पत्तियों फूल या तो फ्रूट्स उसमें लगे होंगे, उस पर कभी भी नहीं पहुँचाएगा। तो पत्तियाँ है, फ्लावर है या तो फ्रूट्स है, वो हमें हटा देने चाहिए दोस्तों, ताकि वो सक्षम रह सके, ये कटिंग है वो आसानी से ग्रो होने में। बारिश के मौसम में फंगस के चांसेस भी इतने रहते हैं, तो इसके लिए हमने 22 टिन का प्रयोग किया है, फंगीसाइड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आ सके, बैक्टीरिया के या कोई डिसीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अब जाके ये सभी प्लांट है वो हमने देखिए, सभी कुछ प्लास्टिक की बोतल में, कुछ प्लास्टिक के गमले है, कुछ मिट्टी के भी गमले है, कुछ हैंगिंग बास्केट है, उसमें हमने ग्रो कर दिए है, तो ये आसानी से फिर इसमें ग्रो हो जाएंगे। और इस सभी का नाम मैंने स्क्रीन में दे दिया है दोस्तों, तो आपको आसानी रहेगी ये प्लांट कौन कौन सा है वो समझने में भी। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम कटिंग को किस तरह से गमले में ग्रो कर सकते हैं, और रेनी सीजन में तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ऐसी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।